वंदे जगदगुरु तत्वार्थ सूत्र सबसे महत्वपूर्ण अधिकार चल रहा है, क्योंकि ये समझने के लिए मैंने इस अध्याय को समझने के लिए लोग सबसे ज्यादा लालाई करते हैं, क्योंकि थोड़ा समझने लायक छठा अध्याय सातवां अध्याय खुद से भी पढ़ के थोड़ा समझ में आ सकता है, लेकिन इसमें टीचर की जरूरत है। दूसरी बात, ये कर्म कांड है, कर्णानियोग का बेस है, तो इसलिए भी इसको समझने जैसा है। अब देखो अपने कहाँ चल रहा है, अपने सूत्र नंबर कौन सा है, चौथा चल रहा है, मतलब हो गया, बताए ऐसे ही हुआ। आठ कर्मों के नाम बताए थे, बताओ कौन बताएगा, सूत्र बताओ आठ कर्मों के, आठ कर्मों के जो सूत्र है नाम वाला बताओ फटाफट। इसको याद हुआ, सूत्र याद नहीं होंगे तो काम कैसे चलेगा। बोलो बोलो, गोत्रार्थ कराया और बोलो, बोलो अभी आद्यो किसके लिए है, आद्यो माने पहला, पहला कौन, पहला कौन है, प्रकृति मन, आद्यो माने पहला, तो प्रकृति बंदे कैसे निकाला कि वो पहला प्रकृति बंदे, पहले वाला सूत्र क्या है, प्रकृति स्थित अनुभाग प्रदेशा तद्विद तद्धेय तद्विधेय, प्रकृति स्थिति अनुभाग ना, प्रकृति स्थित अनुभाग प्रदेशा तद्विधेय, ये उसके विधि माने प्रकार है, किसके किसके प्रकार है, बंद के, कौन कौन से प्रदेश, उसमें जो पहला प्रकृति बंद है उसके ये आठ भेद है ज्ञानावरण आदि। अब देखो इसमें ज्ञानावरण किसे कहते हैं, सबकी परिभाषा दी है, फटाफट बताते जाओ तो आगे चलेंगे अपन। ज्ञानावरण किसे कहते हैं, आवरण किसे कहते हैं, आवरण है जो आवृत करता है या जिसके द्वारा आवृत किया जाता है वो आवरण कहलाता है, जो आवृत करता है ज्ञान को आवृत करे वो, दर्शन को आवृत करे, जो वेदा जाता है जिसके द्वारा वेदा जाता है वो मोहनी क्या है, जो मोहित करता है या जिसके द्वारा जीव मोह जाता है मोनी है, आयु, अरे कर्मों की परिभाषा, जिसके द्वारा नरक आदि भव को जाता है वह आयु कर्म है, नाम कर्म, जो नमा है वो नाम कर्म है, जिसके द्वारा आत्मा नमता है वो क्या है, नाम कर्म, गोत्र, जिसके द्वारा जीव ऊंच नीच कहा जाता है वो गोत्र कर्म है, अंतराय, जो अंतर करता है वो अंतराय, दान में लाभ में भोग में जो अंतराय करे, अंतर करे, देने वाले में लेने वाले में अंतर करे, भोगने में अंतर करे, भोग में शक्ति को प्रकट करने में अंतर करे, मैंने बीच में आ जाए, अंतर कैसे, इन दोनों के बीच में अंतर है, बीच में
इंदौर और उज्जैन के बीच में बहुत बड़ा अंतर है, मतलब अंतर मैंने बीच में बहुत गेप है। ऐसे ही देने वाले और लेने वाले के बीच में जो अंतर करे उनके बीच में वो कौन है अंतराय, भोगने वाला और भोग की वस्तु के बीच में अंतर करे भोगांतराय, तो भोगने वाली वस्तु और भोगने वाला व्यक्ति के बीच में अंतर करे वो भोगांतराय, मैंने जो विघ्न डालता है बीच में आ जाता है दो वस्तुओं के भोग के बीच में, भोग में दान में लाभ में जो बीच में आ जाए वो कौन है अंतराय। कैसे बनते हैं कर्म का उदाहरण कर दिया था, ये कर्म किस प्रकार से बनते हैं इसके लिए क्या उदाहरण दिया गया था, क्या ये सोच समझ के बनते हैं, क्या ये आत्मा से बनते हैं तो ये सोच समझ के बनते हैं वही हम आत्मा से बनते, क्या इनमें चेतनपना है, क्या इनमें बुद्धि है, तो ये आत्मा से कैसे बनते हैं, हाँ ये किस प्रकार से इनका परिणमन, मतलब ये आठ प्रकार के भेदों में जो प्राप्त होते हैं इसके लिए क्या उदाहरण दिया गया था। जिस प्रकार हम अन्न खाते हैं भोजन करते हैं तो भोजन स्वयं में भी रस रुधिर आदि धातु रूप परिणम जाता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा के परिणामों के द्वारा जो ग्रहण किए कर्म वर्गणाएँ हैं वो ज्ञानावरण आदि अनेक भेदों को प्राप्त हो जाती है, अनेक भेद रूप स्वयं में वो परिणम जाता है, वो कर्म अपने आप डिवाइड हो जाता है। खाने में कौन बताओ, खाने के अंदर कौन सी कौन अपन अंदर सोचते विचार करते हैं कि ये इतना अभी अपन काजू खा रहे हैं ये काजू तो जरूर खून बन जाएगा, क्यों सोचते हो, काजू का भी कुछ हिस्सा खून बनता है, कुछ मल बनता है, कुछ हड्डी बनता है, कुछ चर्बी बनता है, कुछ पीप कुछ मवाद सब तरह की धातु में परिणम जाता है, कि एक ही चीज, क्या अभिषेक केला खाते हो तो उसका सब बनता है, तो मशीनें के नहीं अंदर अपने आप, अपन सोच समझ के बनाते हैं कि अपने आप शरीर में बन जाता है, ऐसे ही आत्मा सोच समझ के कर्मों को बांधता है कि अपने आप उसके भाव से कर्म वर्गणाओं का स्वयं उन उन रूप परिणमन हो जाता है, हो जाता है अपना दिया इसके लिए उदाहरण। एक बार खाए गए अन्न का जिस प्रकार रस रुधिर आदि रूप से अनेक प्रकार परिणमन होता है उसी प्रकार एक आत्म परिणाम के द्वारा ग्रहण किए गए, एक आत्म परिणाम के द्वारा ग्रहण किए गए पुद्गल ज्ञानावरण आदि अनेक भेदों को प्राप्त हो जाते हैं, परिणाम एक और एक परिणाम से वो कर्म जो है आठ प्रकार के भेद रूप हो जाते हैं अपने आप, कौन किस में चले जाएगा, कुछ परमाणु ज्ञानावरण रूप, कुछ दर्शनावरण, कुछ वेदनी रूप, कुछ मोनी रूप, कुछ आयु, कुछ नाम, कुछ गोत्र, कुछ अपना आप। फिर ये नियम बताए थे मैंने कि एक समय में कम से कम कितने कर्म हों और अधिक से अधिक, ये यहाँ तक की अपनी बात होगी। अब देखो आगे चलते हैं, मूल प्रकृति बंध आठ प्रकार का काम, ये प्रश्न आएगा, देखो प्रश्न परीक्षा, ये सबसे ये पंक्ति बहुत खास ध्यान देने योग्य है कि ये जो आठ प्रकार का बंध है इसको क्या कहते हैं, मूल, क्या नाम है इसका, मूल प्रकृति बंध, और इन आठ क्या भेद कहेंगे उनको कहेंगे उत्तर प्रकृति, ये आठ क्या है, मूल है, मूल जड़ है ये, आगे पूरा इनके माध्यम से पूरा बहुत बड़ा वृक्ष खड़ा करेंगे, लेकिन ये आठ उनके मूल में है इसलिए इनको आठ को क्या कहते हैं, मूल बंध। कभी परीक्षा में प्रश्न आए कि मूल प्रकृति बंध बताइए तो आपको आठ कर्मों के नाम बताना है, उत्तर प्रकृति बंध बताइए तो आपको आठ के जो भेद प्रभेद है वो सब बता दें, ये ध्यान रखना, मूल आठ, आठ मूल प्रकृति कहलाती है और बाकी इनके भेद क्या कहलाते हैं, तो मूल प्रकृति बंध आठ प्रकार का कहा। अब उत्तर प्रकृति बंध का कथन करते हैं, पंच नव द्वय अष्टाविंशति चतुर द्विचत्वारिंशत् द्वि पंच भेदा
यथाक्रम बहुत बढ़िया। अभी भेद आ गए कि क्या कहें, यदि आपको पीछे क्रम याद रहेगा तो इसलिए यहाँ भी याद रहेगा कि किसके कितने भेद कहे। पंच किसके, नौ, द्वय द्वि, अष्टाविंशति, अष्टाविंशति कितने होते हैं 28, और पंच नौ द्वि, फिर देखो अष्टाविंशति के बाद चतु चार, किसके भेद है आयु के, द्विचत्वारिशत, द्वि चत्वारिशत मतलब द्वि, द्विचत्वारिशत दो और चालीस बयालीस, द्विचत्वारिशत मतलब बयालीस, फिर द्वि ये बयालीस किसके भेद है नाम, द्वि पंच, पंच मैंने आठ, द्वि मैंने दो, दो गोत्र के और पंच आखिरी में किसके भेदा, ये इनके भेद है। यथाक्रमम, यथाक्रम से, यथाक्रम से मैंने जो पिछले सूत्र में जो कर्मों का क्रम दिया है, उस पिछले सूत्र में दिए गए कर्मों के जो क्रम है उनके ये यथाक्रम से उत्तर भेद है। मैंने उन कर्मों का जो क्रम है उस क्रम के हिसाब से ये उनकी क्या है भेद है। जो करना पड़े उसको भी भगा सकते हैं क्या अंदर गई वहां से बोलो, समझ में आया ना। मैंने ही यथाक्रम से ये पिछले सूत्र में दिए कर्मों के भेद, जो पिछले सूत्र में जो कर्मों का क्रम दिया है उसी क्रम से उनके भेद मिलाए। आठ मूल प्रकृतियों के अनुक्रम से पांच, नौ, दो, अट्ठाईस, चार, बयालीस, दो और पांच भेद है। कुल कितने हो गए, हो गए एक सौ तरह गिनो, नाइन्टी सेवन हुए ना, त्रेपन, इक्यावन का गए, इक्यावन का एक सौ कितना है आपके कितना है 97 है, सौ कहां से हो गए, तो इक्यावन का गए, क्यों अक्षय इक्यावन कम है, अब तुम लेट आओगे तो यही होगा क्या, पास वालों से पूछ लो क्या प्रश्न है, ये अभिषेक बता देगा, क्यों अभिषेक इक्यावन कम है, सब सब तेल ले देंगे, बताओ कहाँ है इक्यावन, अभी आएगा, अच्छा स्वाति को मालूम है इक्यावन का गए, नहीं अरे आपसे स्वाति नाम है आपका, कहाँ है ए अंकित, तुम तो खैर तुमसे सॉरी, बताओ किसको मालूम है, मालूम है, देखो ऐसा है नाम कर्म के कुल कितने भेद होते हैं, वैसे तिरानवे, यहाँ कितने बताए हैं, इकतालीस, इक्यावन कम हो गए, तो कम कैसे कर दिए इन्होंने, मैंने एक्चुअल में तिरानवे और यहाँ इकतालीस ही बताया, बयालीस ही बता रहे, इक्यावन खा कर जैसे खा क्यों गए, खाए नहीं है,
ये अभेद दृष्टि से 42 बताए, पिंड प्रकृति 42 है, फिर 42 के और भेद करेंगे अपन तो 93 हो जाएंगे। ये ध्यान रखना, ये चीज खास है, यहाँ ध्यान देने या नाम करके 42 भेद गिनाए, तो 42 के और 74 भेद करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 93। 42 के और 74 भेद करने पर 93 होंगे। पहले तो 42 करें, पिंड प्रकृतियाँ 42 है। हमेशा जब भी नाम कर्म की पिंड प्रकृति पूछे तो पिंड कितनी होगी? 42। पिंड माने समूह, जैसे गति है तो गति कितनी है? 4 है, लेकिन गति को एक ही गिना, 4 गति एक हो गई। जाति 5 है, कौन कौन सी जातियाँ 5? एक परवार, एक पोरवार, कौन कौन सी 5 जातियाँ? एक इंद्री, दो इंद्री, 5। अब 5 जातियों को उन्होंने एक ही नाम दिया जाति। शरीर कितने हैं? 5, एक ही नाम दिया शरीर। अंगोपांग 10। अंगोपांग कितने शरीरों के होते हैं? 10 शरीरों के। अंगोपांग कितने प्रकार के शरीरों के होते हैं? 5 शरीर है ना, उनमें से कितने शरीरों के अंगोपांग होते हैं? 3 के, औदारिक विक्रिय काल अंगोपांग 3 ही है, एक ही नाम दिया अंगोपांग। ऐसे बंधन संघात 5-5, लेकिन नाम एक एक ही है। संस्थान कितने हैं? क्या वो अरे भाई ये लाइट बंद कर दो, ऐसा है कर दो, क्या करें? पीछे की चालू करो ना, हाँ पीछे की चालू करो, आगे की बंद करो, पीछे की चालू करो। आप लोग उधर आएंगे, कम नहीं इधर तो नहीं आएंगे, इधर की बात करो भाई। सेंधी हो गई होगी सबसे। क्या संस्थान, कितने संस्थान? एक ही नाम है संस्थान, इधर सहजन भी 6 एक ही नाम। स्पर्श और गंधवर्ण के 20 भेद है, लेकिन वो एक एक गिना है। अनुपूर्वी के 4 भेद, एक किया, इसलिए वो कम हो गए। मैंने 65 के 14 में आ गए, 65 भेद है ऐसे 65, और 65 14 में गर्भित कर दिया। 65 मैंने 14 ग्रुप है, और 14 ग्रुप के मेंबर कितने हैं? 65। 14 ग्रुप के 65 मेंबर हैं, और फिर वो 28 तो जो है वो पूरे के पूरे ले लिए, लेकिन जो 14 के 65 थे तो 65 की जगह उन्होंने 14 जो ग्रुप थे उन ग्रुपों के नाम दे दिए, तो 51 कम हो गए ना। 14 ग्रुप है, ग्रुप के नाम दे दिए, उनके मेंबर कितने? 65, तो कम कितने हो गए? 51 कम हो गए, बाकी सब ऐसे कैसे दे दिए जो ग्रुप में नहीं है किसी भी, उनके नाम पूरे दिए, और जो ग्रुप की प्रकृतियाँ हैं उनके पूरे ग्रुप के एक एक के नाम में देकर उस ग्रुप का नाम दे दिया। गति ग्रुप, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्माण, बंधन, संस्थान, संघात, सनन, ऐसे स्पर्श कन्वर्ण अनुकूली किया। समझ में आई बात? इसलिए वो 51 गायब हो गए, वो 51 एक्चुअल में ग्रुप के मेंबर्स है, और 14 उन ग्रुपों के नाम है। गति एक ग्रुप है, गति, जाति, शरीर, पिंड माने ये पिंड होता है ना, अनेक चीज़ों का मिला के एक समूह, तो ऐसे ये पिंड है। गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, बंधन, संघात, संस्थान, सहनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, अनुपूर्वी, व्यायोगति, ये सब 14 पिंड है, समूह 14 समूह है ना, 14 ग्रुप है। इनके किसी के 4 मेंबर है, किसी के 5, किसी के 6, अलग अलग मेंबर है। इनके उत्तर भेद हो रहे, बाकी और के नहीं उत्तर भेद, इनके हैं, तो इनको 14 लिया और 28 और अलग अलग से सबके नाम गिनाए, बाकी जो भी है 65 के अलावा 28 जो थी उन सबको शामिल कर लिया, तो 14 और 28 की हुई 42, इसलिए 42, इसलिए 51 गायब हो गई, बाकी सब कायम रखी उन्होंने। ज्ञानावरण के कितने भेद हैं? 5। दर्शनावरणी के 9, वेदनी के 2, मोनी के 28, आयु के 4, नाम के 42, गोत्र के
दो अंतराय के पांच, ये क्वेश्चन तो पीछे वाले जितने भी लोग बैठे सब याद कर लेना, याद परीक्षा का एक क्वेश्चन हो जाएगा। ये कोई जरूरी नहीं कि पूछा जाए ना, क्योंकि मैं बोल देता हूँ फिर लोगों में पीछे आपने बोला था पूछा ही नहीं, तो उसी के भरोसे परीक्षा में आए थे, तो इसलिए ये गारंटी मत ले लेना। ठीक है, ये कम से कम क्योंकि ये मेन कोर चीज है, आठ कर्मों के नाम और आठ कर्मों के भेदों के नाम। अब एक एक के नाम गिनाते थे, चलो पढ़ते हैं इसको। आठ मूल प्रकृतियों के अनुक्रम से पांच, नौ, दो, अट्ठाईस, चार, बयालीस, दो, पांच भेद है। शंका, यह द्वितीय पद का ग्रहण करना चाहिए जिससे मालूम पड़े कि द्वितीय उत्तर प्रकृति पद इतने प्रकार का है। समाधान नहीं करना चाहिए क्योंकि पारिशेष न्याय से उसकी सिद्धि हो जाती है। मैंने द्वितीय कहना चाहिए, द्वितीय मैंने पहला मूल प्रकृति बंध इतना है और द्वितीय मैंने उत्तर प्रकृति बंध इतना है, ये बताना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, हमने वहाँ मूल का वर्णन किया है, उत्तर का ये बात लोगों को पता चल जाएगी, इतने लोग समझदार हैं। आदि का मूल प्रकृति बंध हर प्रकार का क्या है, इसलिए पारिशेष न्याय से ये उत्तर प्रकृति के भेद समझने चाहिए। वो मूल के नाम है तो ये किसके भेद है, उत्तर के भेद। भेद शब्द पांच शब्दों के साथ यथाक्रम से संबंध को प्राप्त होता है। भेद शब्द जो है पांच आदि शब्दों के साथ, माने पांच के साथ भी लगा और नौ के साथ भी, सबके साथ, माने ज्ञानावरण के कितने पांच भेद है, दर्शनावरण के नौ भेद है, वेदनी के दो भेद है, मोनी के अट्ठाईस भेद है, आयु के चार भेद है, नाम के बयालीस भेद है, गोत्र के दो भेद है, अंतराय के पांच भेद है, सबके साथ लगा लेना। यथा पांच भेद वाला ज्ञानावरण, नौ भेद वाला दर्शनावरण से लगा लेना सब, दो भेद वाला वेदनी, अट्ठाईस भेद वाला मोहनी, चार भेद वाला आयु, बयालीस भेद वाला नाम, दो भेद वाला गोत्र और पांच भेद वाला अंतर, सबके साथ संबंध। मैंने वो जो भेद लिखा है पंच भेदा, तो भेद शब्द एक ही बार बोला हमने, लेकिन वो भेद शब्द सबके साथ लगेगा। पांच भेद ज्ञानावरण के, दर्शनावरण के दो भेद, ये सब लगा। अब नाम मालूम है इनके, ज्ञानावरण के पांच भेद कौन कौन से, दर्शनावरण के नौ भेद, अभी तक बताएं क्या, अब बताएंगे वो तो, अभी से कैसे मालूम, अभी बताए नहीं और सब मुंह हिला रहे हैं। हाँ मालूम, वो तो अपन ने पहले से याद कर रखे इसलिए सबको मालूम है, बाकी अभी आचार्यों ने कहा बताया, अभी तो उन्होंने केवल कहा है कि इनके ये भेद हैं, अभी कौन से भेद है और नाम का गिना है, अब एक एक सूत्र में उनके नाम गिनाएंगे। सबसे पहला कौन सा कर्म है, क्या नाम था, उसके भेदों के नाम बताएंगे, कितने भेद है उसके बताओ, पांच के नाम ये बताएंगे। मति श्रुतावधि मन पड़े केवला नाम, मति श्रुतावधि मन पड़े केवला नाम, इससे सरल सूत्र कुछ नहीं होता, मति श्रुतावधि मन पड़े केवलाणी, पीछे था ना केवलाणी था ना, मति श्रुतावधि मन पड़े केवलाणी, मति श्रुतावधि, मति श्रुतावधि मन पड़े केवला नाम, पीछे किसके नाम दिए थे, ज्ञान के, यहाँ किसके नाम दे रहे, ज्ञानावरण, जितने ज्ञान के भेद उतने आवरण के भेद, हर एक भेद का एक एक आवरण है। मति ज्ञान, मति ज्ञान का आवरण करने वाला, शुद्ध ज्ञान तो उसको आवरण करने वाला, अवधि ज्ञान तो उसको आवरण करने वाला, मन बड़े ज्ञान उसको आवरण करने वाला, केवल ज्ञान उसको आवरण करने वाला, जितने ज्ञान के भेद है उतने उसके आवरणों के भेद। मति आदि ज्ञानों का व्याख्यान फिर से पढ़ता हूँ, यदि ज्ञानावरण कर्म पांच प्रकार का है तो उसका ज्ञान कराना है, तो पांच प्रकार का है तो उसका ज्ञान कराओ ना, मतलब पांच प्रकार कौन से हैं, तो अतः आगे का सूत्र कहते हैं। तो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर ज्ञान और केवल ज्ञान, इनको आवरण करने वाले कर्म पांच ज्ञानावरण है, इनको आवरण करने वाले कर्म जो है वो पांच ज्ञानावरण है। मतलब इनके नाम क्या हो गए, बोलो बोलो जिन जिनराज, नाम क्या पांच ज्ञानावरण कर्म हो गए, ज्ञानावरण कर्म के नाम ही ज्ञान के, हाँ तो इनका आवरण तो लगाओ,
मत्ती क्या ऑर्डर की मत्ती जाना हो रहा तो इनको आवरण करने वाले कर्म पांच प्रकार का है, पांच ज्ञानावरण। मत्ती आदि ज्ञानों का व्याख्यान कर रहा है, क्या कर रहा है? पहले अध्याय में करते हैं ज्ञान का वर्णन किया पांच प्रकार का। किसे कहते हैं मत्ती ज्ञान? किसे कहते हैं मत्ती ज्ञान बताओ? बताओ, कौन बताएगा? बताओ ऋषभ, किसे कहते मत्ती ज्ञान? कौन बता, हाथ खड़ा कर लो बस आप। किस किसको मालूम है मत्ती ज्ञान? और कोई को भी नहीं मालूम है? क्यों पूर्वी मत्ती ज्ञान नहीं मालूम? कोई बात नहीं, ये बताएगा। बताओ आए आ रहा अभिषेक, कितनी इंद्रियों के निमित्त से? पांच, मतलब वही इंद्रियों मन के निमित्त से होने वाले ज्ञान को मत्ती ज्ञान। तद इंद्रिय अनिंद्रिय निमित्तम सूत्र था ना, पांच इंद्रियों मन के निमित्त से होने वाले ज्ञान को मत्ती ज्ञान कहते हैं। अपने को कौन सा ज्ञान है? मत्ती ज्ञान है ना। हाँ, कुमति है भले ही उसको मिथ्या के निमित्त से कुमति है, लेकिन है तो कुमति ना। कुमति ज्ञान है कि नहीं? अपने को आवरण तो नहीं है उस पर? मत्ती ज्ञान आवरण का उदय है कि नहीं अपने को? कैसे मत्ती ज्ञान है मेरे को, उसका आवरण कैसे आ गया? मेरे मत्ती ज्ञान में, मेरे को तो मत्ती ज्ञान है ना अभी, तो आवरण का हुआ फिर? केवल ज्ञानावरण कहा जाए क्योंकि केवल ज्ञान नहीं है, लेकिन मत्ती ज्ञान के ऊपर का आवरण है? मत्ती ज्ञान पर प्रकट तो इसलिए वो उसका आवरण हो गया। मिथ्या से आवरण कैसे हो जाएगा? तो एक इंद्रिय का तो आवरण नहीं हुआ, क्लियर नहीं जानने वाले जान तो है जो आवरण है कि नहीं बताओ जिंदराज, तुम्हारे कुछ मत्ती ज्ञान आवरण है क्या? तो मत्ती ज्ञान है क्या तुमको? मत्ती ज्ञान भी और मत्ती ज्ञान आवरण भी है। मत्ती ज्ञान पूरा तो नहीं है ना, सबको जान रहे क्या? पांच इंद्रिय से सबको जान रहे, जितना जान रहे उतना आवरण नहीं भले, लेकिन जो नहीं जान रहे वो भी चीजें हैं कि नहीं है? पांच इंद्रिय मन के निमित्त से जानने योग्य पदार्थ बहुत है, क्यों भी लोक का लोक जानने लायक पदार्थ तो बहुत है, लेकिन सब तो जानने में नहीं आ रहे, कुछ तो ज्ञान का आवरण पड़ा ही है। तो इंद्रिय और मन के निमित्त से भी सारे पदार्थ कहाँ जाने जा रहे हैं? जो नहीं जाने जा रहे हैं उतना आवरण है, और जो जाने जा रहे हैं उतना आवरण नहीं। शुद्ध ज्ञान है कि नहीं अपने को? और आवरण है कि नहीं शुद्ध ज्ञान? आवरण शुद्ध ज्ञान किसे कहते हैं? पता, हाथ खड़ा कर दो, चलो बताओ। मत्ती ज्ञान से संबंध लिए हुए पदार्थ को जानना, मतलब मत्ती ज्ञान से किसी पदार्थ को जानना, उससे संबंध लिए हुए अन्य पदार्थ को जानना, वो क्या कहलाता है? शुद्ध ज्ञान। जैसे हमने घड़ा सुना शब्द घड़ा, वो घड़ा सुनते ही घर का घड़ा याद आ गया, कोई सा भी घड़ा, घड़ा पानी भरने काम आता है, ठंड में ही घड़े खरीद लेना चाहिए, बाद में गर्मी बहुत महंगी हो जाती है, तो मैं यहाँ से जाने का घड़े खरीद, पंडित जी ने अच्छा घड़े का याद दिया। घड़ा शब्द कहा अपन ने, उसको कोई दूसरी चीज घड़े पानी भरने काम आता है, खरीद लेना चाहिए, ये है वो है, ये सब क्या है? शुद्ध ज्ञान है। कान से तो घड़े ही शब्द सुना है, दिमाग दौड़ जाता है कि सब जगह है पूरा पूरा सब, तो वो सब शुद्ध ज्ञान है। जैसे आग देखी और आग देख के भाग जाओ यहाँ से, अब देखी तो आग है,
नहीं नहीं आग दिखते ही ख्याल आ गया कि ये आग जला देगी मेरे को, इसलिए यहाँ से भाग जाना चाहिए, तो वो क्या हुआ, शुद्ध ज्ञान है। मैंने एक पदार्थ को इंद्रियों से जाना और उससे अन्य पदार्थ का ज्ञान कर लिया, अन्य आगे की विषय वस्तु का ज्ञान कर लिया, क्या धुआं देखा, धुएं से ज्ञान हो गया कि अग्नि है और ये अग्नि अपने को जला देगी, अपने को एक सेकंड भी नहीं रहना चाहिए, यहाँ से तुरंत भाग जाना चाहिए। ये जो भाग जाना चाहिए ये धुएं ने बताया क्या, धुएं ने कहा कि भाग जाओ, लेकिन वो धुआं देख के ज्ञान हुआ ना, तो धुआं देख के अन्य पदार्थ का ज्ञान हुआ कि मेरी जिंदगी खतरे में है, तो वो शुद्ध ज्ञान मिला, तो धुएं का ज्ञान मति ज्ञान ऐसा। ये है कि नहीं अंकित अपने, पर आवरण है कि नहीं इसके ऊपर, आवरण ज्यादा है कि ये ज्ञान ज्यादा है, आवरण बहुत ज्यादा। चलो अच्छा, अवधि ज्ञान किसे कहते हैं बताओ, जिंदराज को बताओ, ये अक्षय क्या, अक्षय बताओ, अवधि ज्ञान किसे कहते हैं, कोई बात नहीं, चलो तुमने हाथ भी नहीं खड़ा किया था, जो हाथ खड़ा किया बताओ वो स्पष्ट प्रत्यक्ष जानता है, वो अवधि ज्ञान। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा हुए, मर्यादा लिए हुए रूपी पदार्थों को जो स्पष्ट और प्रत्यक्ष जानता है उसे क्या कहते हैं, अवधि ज्ञान कहते हैं। अवधि का दूसरा नाम क्या है, सीमा, जिसकी सीमा एक है, असीमित सीमा है जिस ज्ञान की, अवधि ज्ञान। अच्छा ये है कि नहीं अपने को पता, क्यों ऋषभ कितना अवधि ज्ञान होता है, क्या कुछ भी नहीं है। अच्छा यहाँ किस किस का, मेरे को तो है, अरे मेरे को अवधि ज्ञान नहीं है, तो किसको है, भावलिंगी द्रव्यलिंगी को नहीं हो सकता, हो सकता है संयम के निमित्त से, हो सकता है मिथ्या दृष्टि, त्रियंचो को हो सकता है मिथ्या दृष्टि, तो उसमें क्या है अवधि ज्ञान, उनको भी वो अवधि ज्ञान खिलाएगा, सुअवधि ज्ञान सब दृष्टि हो सकता है, द्रव्य की भी मर्यादा, परमाणु को जान सकता है कि नहीं, कितना मोटा, एक परमाणु इसको जानेगा और एक इसके आधे टुकड़े को भी जान लेगा और एक आधे के आधे को भी जान लेगा और एक आधे 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 करके इतना सूक्ष्म जान लेगा कि परमाणु भी बना दो इसका तो उसको भी जान लेगा। भाव में इसके अंदर अनेक गुण हैं, तो सारे गुणों को नहीं जानेगा, कुछ गुणों को जानेगा, चिकनाई जान लेगा, सूखापन जान लेगा, हल्कापन, भारीपन, रस जान लेगा, कुछ गंध जान लेगा, वर्ण जान लेगा, सीमा उसमें अनंत गुण है, प्रॉपर्टी अनंत है, सबको तो नहीं जान सकता। कितनी आगे पीछे की पर्यायों को जानेगा, कल क्या था ये बक्सा, आज क्या हो गया, कोई बात नहीं इसको छोड़ दो, क्या तो जान सकता है ना, अवधि ज्ञान ही बता सकता है कि गिरने वाले क्या हो गया, छिपकली देवी तो डब्बे मत घुस जाना, तो नहीं आ जाएगी तो ये सब चीजें जो है ना पीछे, मैंने कितना भूतकाल और भविष्यकाल आगे पीछे का जान सकते हैं, वो काल की भी एक सीमा होती है, ऐसे असीमित काल को नहीं जान सकते, ऐसे क्षेत्र की भी एक सीमा है कि कितने दूर के क्षेत्र को, क्षेत्र की बातों को जान सकते हैं। जो जो अवधि ज्ञान बढ़ेगा त्यों त्यों द्रव्य क्षेत्र काल भाव में क्या होगी, वृद्धि होगी, बराबर सही है, द्रव्य में वृद्धि होगी, द्रव्य मतलब इससे और मोटी मोटी चीजों को जानेगा, द्रव्य कम होता है, क्षेत्र काल भाव में वृद्धि होती है, द्रव्य तो कम होता जाएगा और सूक्ष्म होता जाएगा, जैसे जैसे मैं आँख वाले के पास जाऊँ तो दूर में सबसे पहले छोटा शब्द पढ़वा है कि ये क्या लिखा, आ, और फिर उसके बाद में के बड़ा वाला ये क्या लिखा है, अपन कहते दिमाग खराब है, जब छोटा वाला सही बता दिया तो बड़ा वाला तो देख ही लेंगे ना कि नहीं हमको तो इसी क्रम से कहा डॉक्टर कि तेरा क्रम गलत है, यदि कहा है तो उन्हें उल्टा क्रम बता दिया, पहले बड़े को दिखाया जाता है, बड़ा दिख गया तो उससे छोटे को,
और छोटे को और छोटे को, छोटा छोटा जानने में ज्ञान की विशेषता होती है, बड़ा जानने में क्या है। यदि ये यहाँ बैठे हैं तो उसमें कुछ नहीं है, वहाँ उनके वहाँ से चींटी निकल रही है तो चींटी को भी यहाँ से देख ले तो वो ज्ञान विशेष है। सूक्ष्म द्रव्य में कम होता जाता है, जो जो अवधि ज्ञान की वृद्धि होती है त्यो त्यो द्रव्य कम होता है, क्षेत्र काल और भाव ये तीनों बढ़ते हैं। द्रव्य का उत्तरोत्तर भेद में अनंत का भाग देते हैं, जैसे अभी समझ लो इतना जान रहे हैं तो इसमें अनंत का भाग दो, फिर जो परमाणु आएंगे वो उतनों को जानेगा, फिर अनंत का भाग दो तो अगले भेद को जानेगा, फिर उसमें अनंत का भाग दो अगले को जानेगा। और क्षेत्र में एक एक प्रदेश की वृद्धि होगी, काल में एक एक समय की वृद्धि होगी, और भाव में कुछ कुछ पर्यायों की वृद्धि होगी ऐसे। ज्ञानावरणी का उदय नहीं, ज्ञानावरण जो अपने पूजे है ना वो पूजे सही काम नहीं करते हैं, मैंने ज्ञानावरण कर्म का उदय नहीं, ज्ञानावरण तो मतलब ज्ञान नहीं हो पाना उसका उदय है, लेकिन है देखो क्या है इसमें कि जो पूजे होते हैं ना अपने नाम कर्म के उदय से आँखों के, वो उनका भी निमित्त निमित्त संबंध है, यदि वे यथार्थ नहीं प्रवर्ते तो अपना ज्ञान का मतलब ज्ञान अपना काम नहीं कर पाएगा। तो ज्ञानावरण कर्म पे सीधे असर चश्मे ने नहीं किया, चश्मे ने असर किया है नाम कर्म पे, शरीर की रचनाओं पे, लेकिन उसका ऐसा संबंध है ज्ञान के उदय से, ज्ञानावरण के उदय से कि यदि हमारे को ज्ञान चाहिए अच्छा तो उसके लिए हमारे पूजे भी सब सही होने चाहिए। तो पूजे गलत हुए तो वो पूजे गलत होने से उधर असर पड़ेगा, लेकिन हम उस पर असर अभी डायरेक्ट नहीं पड़ा है। दर्शनावरण में सोना ये होता है, दर्शनावरण में आँख फूटना करनी होता है किसका अच्छा अच्छा चश्मे के पीछे क्यों पड़ गए नहीं एक बात बता रहा मैं भी खेल, लेकिन बात ये है कि ये अंगोपान के उदय का काल, इसमें मोक्षा प्रकाशक उसका वर्णन आया एक्चुअली कि क्या है कि ज्ञानावरण ज्ञान की इतनी पराधीनता है कि वो जैसे कोई व्यक्ति पांच गांव को जानता है, वो पांच गांव को जाता है तो उसके साथ में ये पराधीनता भी पड़ी हुई है कि भाई इन किंकरों को साथ लेके जाओ, ये साथ जाएंगे तो ही तुम जा पाओगे और ये नहीं साथ में जाएंगे तो तुम नहीं जा पाओगे, तो वो उनकी पराधीनता से युक्त है। लेकिन अब वो किंकर नहीं जा रहे हैं, वो सही नहीं है, तो उसमें उस व्यक्ति की जाने की सामर्थ्य ही नहीं कमी कहलाई गई, उसकी सामर्थ्य है लेकिन वो ऐसे ही उसका निमित्त निमित्त संबंध है कि वो किंकर नहीं होंगे सही, यदि उनकी तबीयत खराब हो गई पुलिस वाले की तो भले कैदी की पांच गांव में जाने की ताकत है लेकिन वो कैदी नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि कैदी की इस तरह की पराधीनता है कि वो कैदी जाएगा तो इनके साथ ही जाएगा, ये अर्जे पूजे सब सही होंगे तो ज्ञान अपना काम करेगा, क्या करे ज्ञान को भी पराधीनता लगी नहीं इस तरह, वो साक्षात सीधा फल नहीं दे रहा है, सीधा फल तो है कि ज्ञान के क्षयोक्षम में कमी होना, वो ज्ञानावरण का सीधा फल। मैंने इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मेरे चश्मा लगा, लेकिन ये जो आगम के आधार से जो उसको दिया है, क्योंकि जिसका फल जिसमें आएगा निमित्त निमित्तिक संबंध होने से वो ज्ञान पे असर करेगा, उससे मना नहीं है, लेकिन असर कायम आया ये फल कायम आया ये तो नाम कर्म के उदय में आया ना। हाँ मेमोरी कम हो जाएगी, याद नहीं रहे, और सबसे बड़ी बात तो ये है हाँ उसको चित्त में उसका स्मरण नहीं रहे, बुद्धि नहीं रहे, विचार नहीं कर सके हे उपाधेय का, तो ज्ञानावरण का उदय, अंधे के भी ज्ञानावरण का उदय नहीं कहलाता इसलिए सत्य क्या मैंने उसके जो योग्य बुद्धि है वो चलती है, चक्षु दर्शनावरण का भले उसको उदय कहा जाए भाई उसको उदय है, उसमें निमित्त सहकारी कौन है, नाम कर्म का उदय, अंगो पांग उदय होते हैं सब बातें, एक काल में अनेक काल चल। मन परे ज्ञान किसे कहते हैं? बताओ अक्षय पाठी बताएंगे, बहुत बढ़िया, इसको कहते हैं सही सीधी सपाट भाषा, दूसरे के मन की बात जाने, परिभाषा तो ऐसी बताते नहीं तो फिर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा नहीं हुए, दूसरों के मन में स्थित
रूपी पदार्थों को जो स्पष्ट प्रत्यक्ष आत्मा के द्वारा सीधे सीधे जानता है उसे नंद ज्ञान कहते हैं। ये रटी हुई भाषा है और तुम्हारी भाषा बिल्कुल सपाट है, दूसरे के मन की बात जानो, क्योंकि ये तो अपने को जानने को चाहिए ना, इसलिए ये बात याद रखती है, दूसरे के मन की बात जानो। लेकिन है तो लंबी चौड़ी परिभाषा, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए दूसरों के मन में स्थित रूपी पदार्थों को जो बिना इंद्रिय मन की सहायता के आत्मा के द्वारा सीधे प्रत्यक्ष स्पष्ट जानता है उसे मन परिज्ञान कहते हैं। समझ में आया ना ये परिभाषा, कितनों को है मन परिज्ञान? तुमको मेरे मन की बात पता चल रही नहीं? मेरे को चल रही तुम्हारा अपन केवल अनुमान लगाते हैं मन, जैसे आप मन परे यानी स्पष्ट जानते एकदम, मैं तो अनुमान लगाऊंगा गलत भी बैठ सकता है। अपन कई बार सोचते हैं मन में ये सोच रहा है, जबकि वैसी बात ही नहीं होती, अपने अनुमान लेते हैं सारे, हमारे अनुमान सही भी बैठते हैं गलत भी बैठ जाते हैं, बैठते कि नहीं गलत, क्यों? तो इसलिए ये सच्चा ज्ञान नहीं है। मना परे यानी तो जो जानता है वो यथार्थ जानता है, ऐसा नहीं अरे तुम मेरे बारे में ऐसा सोच रहे, नहीं साहब मैं नहीं सोच रहा, ऐसा नहीं रहता। मना परे यानी ने कहा कि ऐसा सोच रहे हो तो मतलब ऐसा सोच रहा है, फिर आदमी कुछ भी कहे वो वास्तव में वैसा ही सोच रहा है, उनके वचन माने ब्रह्म वचन होते हैं उनके अवधि ज्ञानी के, क्योंकि लोगों क्या है लोगों की बुद्धि बहुत ज़्यादा चल। एक आदमी ने भाई सिगरेट पीना है, इधर देखा कैमरा लगा, इधर देखा लिफ्ट में घुसा या कुछ नहीं पटाख से लिफ्ट में दौड़, उसको यही अकल लिफ्ट में दौड़ सेंसर लगे हैं ऊपर नीचे करी थोड़ी देर पीने के लिए लिफ्ट को, फिर बाहर निकला बुझा बुझू के सब, और बाहर निकला और पुलिस तैयार, यहाँ की बात नहीं बाहर की कह रहा हूँ, अब देसी आदमी यहाँ के किसी के पिताजी पहुँच गए बांध के पकड़ के ले जाने लगे, तुमने सिगरेट पी, व्हाट इज द प्रूफ? आखिर वो भी सीख गया ना, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? चलो अंदर ले गए, वाह उसको उसकी फोटो दिखाई, देख ऐसे पी रहा था तो, और इसके लिए तुमने लिफ्ट ऊपर नीचे कर दिया, क्या कि तेरे को